हेलो दोस्तों, आज हम लोग कन्फर्मेशन आइसोमेरिज्म को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। इससे पहले हमने कन्फर्मेशन ऑफ हिवेन, प्रोपेन एंड कन्फर्मेशन ऑफ ब्यूटेन देख लिया था, और लास्ट क्लास में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कन्फर्मेशन ऑफ ब्यूटेन पढ़ाया था, जो कि जेई और नीट दोनों एस्पिरेंट्स के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। इसलिए अगर कोई बच्चा फर्स्ट टाइम लेक्चर को देख रहे हैं ना, तो यार पहले वो वीडियो देख ले, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और उसमें मैंने डिफरेंट फॉर्म्स के बारे में बात किया था, स्टैगर्ड फॉर्म, एंटी स्टैगर्ड फॉर्म, गॉज फॉर्म, एक्लिप्स, फुल्ली एक्लिप्स, पार्शियल एक्लिप्स, ये सब टर्म्स यूज किया था। तो आप लोग यार अच्छे से एक बार देख लेना, क्योंकि आगे चलकर यूज होने वाला। और स्टैगर्ड फॉर्म बताया था। यदि मैं कन्फर्मेशन ऑफ ब्यूटेन की बात करूँ, कन्फर्मेशन ऑफ ब्यूटेन में स्टैगर्ड दो टाइप के होते हैं, एक को मैंने नाम दिया था गॉज और दूसरे को नाम दिया था एंटी स्टैगर्ड। गॉज कब कहते हैं, जब डायहेड्रल एंगल थीटा का वैल्यू क्या हो, हाँ 60 डिग्री हो। और हम लोग एंटी स्टैगर्ड कब कहते हैं, जब थीटा का वैल्यू 180 हो। इसी तरह से फुल्ली एक्लिप्स एंड पार्शियल एक्लिप्स की बात किए थे। फुल्ली एक्लिप्स जब दो बल्की ग्रुप, जो दो मोस्ट बल्की ग्रुप है, 0 डिग्री के एंगल पे हो, तो ऐसे में उसे हम फुल्ली एक्लिप्स कहते हैं। और यदि कोई बल्की ग्रुप और कोई छोटा सा ग्रुप यदि एक 0 डिग्री के एंगल पे हो, तो ऐसे में उसे पार्शियल एक्लिप्स कहते हैं। ओके, यदि स्टेबिलिटी ऑर्डर की बात करें, तो यार तुम लोगों को बताया था कन्फर्मेशन ऑफ ब्यूटेन में एंटी स्टैगर्ड मोस्ट स्टेबल, देन गॉज, देन पार्शियल एक्लिप्स, एंड लीस्ट स्टेबल होता है फुल्ली एक्लिप्स। ये ऑर्डर मैंने बताया था, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट था। कन्फर्मेशन ऑफ ब्यूटेन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज हम लोग सबसे पहले इसकी कन्फर्मेशन के बारे में जानते हैं कि इसकी कन्फर्मेशन होता क्या है। इससे पहले भी तुम लोगों को हमने बताया है, याद है या नहीं याद है? हाँ नहीं याद है, लिख लो यार इसकी कन्फर्मेशन होता क्या है, जल्दी से लिख लो यार, ये सब छोटी छोटी बातें हैं। होता क्या है यार, जब हम लोग कोई कन्फर्मेशन ड्रॉ करते हैं, तो एक ही मॉलिक्यूल को हम लोग डिफरेंट स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं ना। किसी बच्चे ने बोला मैं 1 डिग्री से रोटेट करूंगा रियर कार्बन एटम को, किसी बच्चे ने बोला रियर कार्बन एटम के बॉन्ड को 2 डिग्री से रोटेट कर देता हूँ, किसी ने बोला 3 डिग्री से रोटेट कर देता हूँ। तो इस तरह से इन्फाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं, और इसी इन्फाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स में से कुछ को हमने नाम दिया था कन्फॉर्मर्स, और कुछ को नाम दिया था हमने स्क्यू कन्फर्मेशन। समझ में आया? यदि मैं कन्फर्मेशन ऑफ ब्यूटेन की पहले बात कर लेता हूँ, एक बार फिर से मैं केवल डायग्राम की बात करता हूँ, ठीक है ना, एनर्जी डायग्राम। तो जो बना था उसका कुछ याद है आप लोगों को? बताया ये हो गया। इसमें से ये क्या था, फुल्ली एक्लिप्स था। ये वाला फॉर्म क्या था, इसको ज्यादा ही नीचे आ गया, काम पर थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं। इसका नाम क्या था, गॉज, इसको थोड़ा सा और ऊपर कर देता हूं। इसका नाम क्या था, एंटी स्टैगर्ड। अगेन इसका नाम, ये देखो यार ये दोनों सेम लेवल पे आता है, ये क्या आ जाएगा, ये गॉज और ये भी फुल्ली एक्लिप्स, और ये दोनों क्या होता था, पार्शियली एक्लिप्स। याद है ना यार, यहां पे थीटा क्या होता था, 0 डिग्री, यहां पे थीटा 60, यहां थीटा 180, कुछ गलती लिखा, अरे यार थीटा यहां 0, यहां 60, यहां 120, यहां 180, यहां 240, यहां 300 और यहां 360। फुल रोटेशन का कहानी ये हो गया, ठीक है। अब इसमें से दो टर्म मैं यहीं पे लिख देता हूं, एक कन्फॉर्मर्स और एक कन्फॉर्मेशन। कन्फॉर्मर्स, तो देखो यार इस वाले ग्राफ में जो मिनिमा वाला पोजीशन है, मिनिमा किसको कहते हैं जानते हो? हाँ, मिनिमा का मतलब ये वाला पॉइंट। देखो इस पॉइंट की यदि मैं बात करूं, तो इधर भी इंक्रीजिंग है, इधर भी इंक्रीजिंग है, तो ये पॉइंट क्या हो गया, मिनिमम हो गया, इसको मिनिमा कहते हैं। फिर मिनिमा कहाँ तुम्हें मिलेगा, ये तो मैक्सिमा हो गया, क्योंकि इससे पहले वाला भी वैल्यू लो है, इससे पहले वाला भी वैल्यू कम है, ये वाला हाईएस्ट है, तो ये मैक्सिमा कहलाता है। अगेन ये मिनिमा मिला, फिर इसके बाद मिनिमा कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा। तो ये सब जो मिनिमा वाला पोजीशन है ना, मिनिमा वाला पोजीशन, ये सबको हम लोग नाम देते हैं कन्फॉर्मर्स, ठीक है, या फिर मैक्सिमा भी इंक्लूड आ जाएगा, सॉरी मिनिमा और मैक्सिमा वाला जो पोजीशन होता है उसको हम लोग नाम देते हैं कन्फॉर्मर्स। तो ये वाला मैक्सिमा है, ये भी मैक्सिमा है, ये भी मैक्सिमा है, ये भी मैक्सिमा है, तो ये सारे पॉइंट्स जो है मैक्सिमा या मिनिमा उसको हम लोग नाम देते हैं कन्फॉर्मर्स। और इसको छोड़कर और बाकी जितने भी स्ट्रक्चर बनेंगे उसको मैं नाम दे दूंगा स्क्यू कन्फॉर्मेशन। समझ गए क्या होता है इसकी कन्फॉर्मेशन एंड क्या होता है कन्फॉर्मर्स, दोनों में डिफरेंस क्या होता है। गुड, तो यहां पे मैं लिख देता हूं पहले कन्फॉर्म, इसकी कन्फॉर्मेशन के बारे में होता है, ऑल कन्फॉर्मेशंस
एक्सेप्ट थीटा इक्वल टू, थीटा का है तो डायहेड्रल एंगल क्या क्या, 0 डिग्री, 60, 120, ठीक है ना, 180, ये सबको छोड़कर 180 के बाद देखो तो फिर से रिपीट करने लगा ना, हर 180 के बाद ये ग्राफ रिपीट करेगा, यही चीज़ देखो यार फिर से रिपीट कर, आपको दिख जाएगा रिपीट होता हुआ, इसलिए मैं छोड़ दिया उधर, तो ये तो हो गया। या फिर मैं बोल सकता हूँ एक्सेप्ट मिनिमा एंड मैक्सिमा, मिनिमा एंड मैक्सिमा इन ग्राफ, यानी जो ग्राफ हमारा बना उस ग्राफ में मिनिमा और मैक्सिमा को छोड़कर बाकी सभी जो कन्फर्मेशन मिलेंगे उसे हम लोग स्क्यू कन्फर्मेशन कर देंगे। और कन्फर्मर्स क्या हो जाएगा, ओनली स्पेसिफिक कन्फर्मेशन, जिसमें से थीटा क्या क्या आ जाएगा, मिनिमा और मैक्सिमा वाला, मिनिमा एंड मैक्सिमा ये दोनों वाले क्या हो जाएंगे, इसको हम लोग कह देंगे कन्फर्मर्स करें, समझ में। तो स्क्यू कन्फर्मर और स्क्यू कन्फर्मेशन एंड कन्फर्मर्स दोनों में क्या डिफरेंस है, समझ गए। अब हम लोग समझेंगे कि कोई भी कन्फर्मेशन जो होता है वो अनस्टेबल क्यों होता है, उसके पीछे क्या रीजन है कन्फर्मेशन के अनस्टेबल होने का, ठीक है ना। देखा ना यार, जैसे एक्लिप्स फॉर्म हाईली अनस्टेबल होता है, एंटी स्टेगर्ड वाला बहुत स्टेबल होता है, क्यों स्टेबल होता है, क्यों अनस्टेबल होता है, तो रीजन भी यार तुम लोग जान रहे हो, क्या रीजन है, हाँ क्या रीजन है, बहुत सिंपल यार, एंगल, यदि एंगल यदि कहीं कम है बल्कि ग्रुप के बीच का, तो ऐसे में हम उसे क्या बोल देंगे, स्टेबल या अनस्टेबल। तो एंगल यदि कम है, डायहेड्रल एंगल कम है, तो उसे मैं अनस्टेबल बोल दूंगा, क्यों, रिपल्सन बढ़ जाएगा। और कोई यदि स्टेबल है तो कोई यदि कोई कहीं कोई दो ग्रुप के बीच का एंगल ज़्यादा है, तो ऐसे में मैं क्या बोल दूंगा उसे, स्टेबल या अनस्टेबल, उसे स्टेबल बोल दूंगा। डायहेड्रल एंगल यदि ज़्यादा है तो वो क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। तो एंगल तो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है यार स्टेबिलिटी ऑफ कन्फर्मेशन में। दूसरा एक और फैक्टर है जो एक बड़ा रोल प्ले करता है स्टेबिलिटी ऑफ कन्फर्मेशन में, क्या है वो, बल्किनेस ऑफ ग्रुप। मान लो मैंने H और H को 0 डिग्री पे या 60 डिग्री पे लगा दिया, तुम लोग बता दे यार मुझे, एच एच को यदि मैं 0 डिग्री या 60 डिग्री पे लगाऊंगा तो मतलब रिपल्सन बहुत ज़्यादा होगा या फिर इनसिग्निफिकेंट होगा, क्या बोलूँगा मैं, हाँ बहुत ही कम होगा। लेकिन एच एच के जगह पे मान लो मैंने एक बार एच एच को 0 डिग्री पे लगाया, एक बार मैंने क्या किया एच एच को 0 डिग्री पे लगाया, और एक बार मैंने एच को रिप्लेस कर दिया सी एस थ्री को 0 डिग्री पे लगा दिया, स्टेबिलिटी में कोई डिफरेंस आएगा या नहीं आएगा, बताओ तो यार, यार हाँ आएगा यार, बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाएगा। सी एस थ्री बल्कि ग्रुप है, वो 0 डिग्री पे लगाया, उनके बीच तो खूब रिपल्सन होगा, लेकिन यदि एच एच लगाया तो ऐसे में रिपल्सन उनके बीच बहुत ही कम हो जाएगा, क्यों, छोटा सा तो ग्रुप होता है, कहाँ से उनके बीच रिपल्सन होगा, बहुत बहुत कम होगा। अभी मैं रिपल्सन का मैग्नीट्यूड भी आपको बता दूंगा कि कितना रिपल्सन होता है उनके बीच में। तो फिलहाल एक आइडिया के लिए अभी यदि मैं स्टेबिलिटी या अनस्टेबिलिटी की बात करूँ तो दो मेन फैक्टर है जो स्टेबिलिटी ऑफ कन्फर्मेशन को डिसाइड करता है, वो दो फैक्टर कौन सा है, पहला तो एक डायहेड्रल एंगल में बोल दूंगा, डायहेड्रल एंगल दो बल्कि ग्रुप के बीच जितना कम वो अनस्टेबल होगा और जितना ज़्यादा वो स्टेबल होगा। दूसरा बल्किनेस ऑफ ग्रुप, यदि ग्रुप बल्कि है तो यदि बल्कि ग्रुप है तो ऐसे में क्या हो जाएगा उनके बीच, यदि दो बल्कि ग्रुप का एंगल कम है तो वहाँ अनस्टेबल सिस्टम, एनर्जी रिपल्सन बढ़ जाएगा, और यदि लेस बल्कि ग्रुप है, स्मॉलर ग्रुप लगाए तो ऐसे केस में मैं क्या बोल दूंगा कि वहाँ लेस बल्कि ग्रुप तो स्टेबिलिटी वहाँ ज़्यादा है। तो दोनों फैक्टर इंपॉर्टेंट मायने रखता है, डायहेड्रल एंगल के साथ ग्रुप का जो बल्किनेस है वो भी मायने करता है। तो इसी को मैं नाम देता हूँ, एक को वैन डर वाल स्ट्रेंथ देता हूँ और एक को नाम देता हूँ ये क्या बोलते हैं, एक वैन डर वाल स्ट्रेन हो गया और एक को नाम देता हूँ मैं टॉर्शनल स्ट्रेन। टॉर्शनल स्ट्रेन किसको दूंगा, जहाँ डायहेड्रल एंगल के कारण जो जो भी रिपल्सन हो रहा है, डायहेड्रल एंगल के कारण जो अनस्टेबिलिटी आ रहा है उसको मैं टॉर्शनल स्ट्रेन कह देता हूँ। और वैन डर वाल स्ट्रेन क्या हो जाएगा, जो ग्रुप के बल्किनेस के कारण जो स्ट्रेन या जो अनस्टेबिलिटी मॉलिक्यूल में आता है उसे मैं वैन डर वाल स्ट्रेन कह देता हूँ। तो चलो यार इसी को मैं यहाँ पे शॉर्ट में नोट करके लिखवा देता हूँ, आप लोग भी लिख लो, पहले आप लोग इस चीज़ को नोट कर लो। तो चलो यार लिख लो हम लोग कन्फर्मेशंस आर अनस्टेबल ड्यू टू दो रीजन से अनस्टेबल होता है। पहला रीजन क्या है, टॉर्सनल स्ट्रेन, और टॉर्सनल स्ट्रेन का रीजन क्या है, ट्रांसनल स्ट्रेन की हम बात कब करेंगे, जब डायहेड्रल एंगल की टर्म, मतलब जब डायहेड्रल एंगल की बात करेंगे तो उसमें उसके कारण डायहेड्रल एंगल के कारण जो स्ट्रेन या जो अनस्टेबिलिटी आएगा मॉलिक्यूल में उसको हम लोग टॉर्शनल स्ट्रेन नाम देंगे।
क्लियर है? तो यहां पे मैं लिख देता हूं इट अराइजेस ड्यू टू डायहेड्रल एंगल। और दूसरा क्या हो जाएगा? वैन डर वाल स्ट्रेन का कारण क्या है? ड्यू टू बल्किनेस ऑफ ग्रुप और सब्सिट्यूएंट्स। मैंने जो सब्सिट्यूएंट लगा हुआ होता है उसके बल्किनेस की वजह से भी अनस्टेबिलिटी आता है मॉलिक्यूल में, और डायहेड्रल एंगल के कारण भी अनस्टेबिलिटी आता है। तो इसी दो वजह से किसी भी कन्फर्मेशन में अनस्टेबिलिटी आता है, और इसको मैं एक को टॉर्शनल स्ट्रेन कर देता हूँ, एक को वैन डर वाल स्ट्रेन कर देता हूँ। ठीक, टॉर्शनल स्ट्रेन की बात कब करेंगे? जब डायहेड्रल एंगल के टर्म्स में बात हो। वैन डर वाल स्ट्रेन की बात कब करेंगे? जब ग्रुप के बल्किनेस की वजह से रिपल्सन हो रहा हो तो। समझे? तो ये तो हो गया अनस्टेबिलिटी का कन्फर्मेशन, अनस्टेबल क्या होता है। अब मैं थोड़ा सा जैसे ब्यूटेन की बात करूं, ठीक है ना, ब्यूटेन में एक्लिप्स फॉर्म, एंटी फुल्ली एक्लिप्स, पार्शियली एक्लिप्स, स्टैगर्ड गॉज फॉर्म, ये सब थे। तो इसका मतलब जो रिपल्सन का मैग्नीट्यूड होता है ना, उसको पहले हम लोग जान लेते हैं। जैसे मैं बात करूं, जब भी देखो किसी भी कन्फॉर्मेशन में यदि दो CH3 ग्रुप आपस में एक्लिप्स पे लगे हों, यदि दो CH3 एक्लिप्स में, इसका मतलब क्या है, एक CH3 के जस्ट अपोजिट दूसरा CH3, मतलब ये CH3 दूसरा CH3 ऐसा, तो ऐसे में जो मैग्नीट्यूड ऑफ रिपल्सन होता है वो हम लोग लेते हैं 4 kcal/mol। ओके, यदि CH3 और H यदि एक्लिप्स में हो, CH3 और H एक्लिप्स में, तो ऐसे में जो हम लोग मैग्नीट्यूड लेते हैं वो 1.5 kcal/mol होता है। मतलब ये रिपल्सन है, ये रिपल्सन का मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड ऑफ रिपल्सन। यहाँ पे लिख लो तुम लोग भी, मैग्नीट्यूड ऑफ रिपल्सन है ये चीज, ठीक है। और यदि HH एक्लिप्स हो तो ऐसे केस में जो रिपल्सन का मैग्नीट्यूड होता है वो 1 kcal/mol होता है। और यदि मान लो ये 3 एक्लिप्स फॉर्म है, और यदि मान लो CH3 यदि मान लो एक्लिप्स में तो लिखवा दिया, तो यदि CH3 गॉज पोजीशन पे हो, तो ऐसे केस में जो रिपल्सन का मैग्नीट्यूड है वो 0.9 kcal/mol होता है। तो इस तरह से ये मैग्नीट्यूड का रिपल्सन, देखो यार अभी आगे किस तरह से ये कहाँ यूज होता है अभी समझ में आ जाएगा, लेकिन ये याद ना भी हो ना तो काम चल जाएगा, टेंशन नहीं लेना, ठीक है। लेकिन याद हो जाता है तो थोड़ा आसान हो जाता है। तो ये चीज़ आप लोग यार याद रख सको तो याद कर लेना, कोई बड़ी चीज़ तो है नहीं। यदि CH3 ग्रुप एक्लिप्स हो तो 4 kcal/mol का रिपल्सन, यदि CH3 और H आपस में एक्लिप्स हो, ये कम क्यों हो रहा समझ रहे हो ना, क्योंकि यहाँ पे दो CH3 दोनों का दोनों बल्कि ग्रुप है, एंगल तो यहाँ पे भी जीरो है, यहाँ पे भी जीरो है, यहाँ पे भी जीरो है, तो डायहेड्रल एंगल तो सब जगह सेम है, लेकिन यहाँ पे दोनों का दोनों CH3 बल्कि ग्रुप है, यहाँ एक बल्कि एक छोटा स्मॉल ग्रुप है। तो यहाँ अच्छा, यहाँ पे मैं बात करूँ जो स्ट्रेन, जो मॉलिक्यूल में अनस्टेबिलिटी आएगा, एक तो टॉर्शनल स्ट्रेन के कारण भी अनस्टेबिलिटी आएगा। टॉर्शनल स्ट्रेन क्यों? क्योंकि डायहेड्रल एंगल जीरो है, एक्लिप्स फॉर्म है, तो टॉर्शनल स्ट्रेन के कारण तो अनस्टेबिलिटी आया ही आया। दूसरा वैन डर वाल स्ट्रेन के कारण भी अनस्टेबिलिटी आ गया, क्यों? दोनों के दोनों बल्कि ग्रुप हैं, लेकिन CH3 और H की बात करेंगे तो एक्लिप्स फॉर्म 0 degree, टॉर्शनल स्ट्रेन तो प्रेजेंट होगा ही, लेकिन यहाँ पे वैन डर वाल स्ट्रेन का जो मैग्नीट्यूड है ना वो कम हो चुका है, क्यों? एक ही बल्कि ग्रुप है, दूसरा तो बल्कि है ही नहीं, हाइड्रोजन तो सबसे स्मॉलेस्ट हो गया। यहाँ पे तो वैन डर वाल स्ट्रेन है ही नहीं, यहाँ पे केवल और केवल क्या है, डायहेड्रल एंगल के कारण, मतलब वो क्या बोलते हैं, टॉर्शनल स्ट्रेन के कारण अनस्टेबिलिटी है इस मॉलिक्यूल में। और यहाँ पे CH3 में 60 degree, तो डायहेड्रल एंगल के कारण तो है ही नहीं रिपल्सन, यहाँ पे केवल कौन सा है, वैन डर वाल स्ट्रेन के कारण, ग्रुप बल्कि है ना उसके वजह से यहाँ पर अनस्टेबिलिटी है, और ये लीस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर, जब यदि CH3 गॉज पे यानी 60 degree पे होगा तब, गॉज याद है ना 60 degree पे होता है, तो उसे गॉज कह देते हैं ब्यूटेन के केस में। और ये स्टैगर्ड का एक फॉर्म होता है गॉज, स्टैगर्ड का दो फॉर्म होता है ब्यूटेन में, एक गॉज और दूसरा एंटी स्टैगर्ड। क्लियर है? तो चलो यार अब एक छोटा सा हम क्वेश्चन करते हैं इस पे बेस, जिससे कि जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। आप लोग यार नोट कर लो इस चीज़ को।
तो देखो यार, ये क्वेश्चन है आप लोग को, आपके लिए। आप पहले खुद से कोशिश करो, इसका आपको कन्फर्मर्स ड्रॉ करना है, और जितने भी पॉसिबल कन्फर्मर्स है उसमें से मोस्ट स्टेबल कन्फर्मर कौन सा होगा वो आपको ड्रॉ करके बताना है। समझ गए ना? समझ गए? हाँ, तो चलो यार तुम लोग ड्रॉ करो। इधर देखो यार, तुम लोग CH3, CH CH3, CH CH3, इधर क्या है? CH3 है, क्लियर? अब हमें इसके और इसके अबाउट ड्रॉ करना है, मतलब एक को इसमें से फ्रंट बनाना है, दूसरे को रियर बनाना है। तो मान लो यार मैं फ्रंट इसको बना देता हूँ और रियर कार्बन इसको बना देता हूँ, ओके? तो फ्रंट कार्बन पे जो जो ग्रुप लगा है उसको लगा दो यार फ्रंट में। फ्रंट पे क्या लगा? एक दो CH3 और एक H लगा, क्या करना है? लगाना है, लगाओ यार CH3 और H, क्लियर है ना? अब रियर कार्बन पे आ जाओ, रियर कार्बन पे भी क्या है? एक H और दो CH3 है। एक चीज तो याद रखना है, हमें मोस्ट स्टेबल बनाना है। तो एक्लिप्स वाला बनाओगे क्या? नहीं बनाने का, तो यार बनाया जा सकता है, यहाँ पे हम CH3 लगा देंगे, एक्लिप्स बन जाएगा। लेकिन हमें एक्लिप्स वाला बिल्कुल नहीं बनाना है, पार्सली या फुल्ली एक्लिप्स नहीं बनाना है हमें। क्यों? एक्लिप्स आ गया तो अनस्टेबल हो जाएगा, हमें तो मोस्ट स्टेबल बनाना है। तो हमें गॉच वाला बनाना होगा या एंटी स्टैगर्ड वाला बनाना होगा। तो दो में से जो भी स्टेबल बन रहा है बना दो यार। तो चलो, रियर कार्बन पे भी दो CH3 और एक H ग्रुप लगा हुआ है, दो CH3 एक H लगा हुआ है। तो जैसा भी आप लगाना चाहते हो, रियर कार्बन पे तीन ग्रुप आएगा, ऐसा लगा देते तो कोई दिक्कत तो नहीं ना? हाँ, तो मान लो यार यहाँ पे मैं अपने मन से जो भी मन किया, दो जगह CH3 लगाना ही पड़ेगा और एक जगह H। इसी का एक और कन्फर्मेशन ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे H, ठीक है? अब यहाँ पे तीन ग्रुप तो आए गए। अच्छा, यहाँ पे रिपल्सन ज़्यादा हो गया या थोड़ा कम हो गया CH3 को यहाँ यहाँ लगाने से? ज़रा सोच के बताओ तो यार मुझे। हाँ, क्या बोलेंगे, ज़्यादा हो गया कि कम हो गया रिपल्सन? यार ये भी CH3, ये भी CH3, ये भी CH3, ये भी CH3, सारा का सारा CH3 एक साइड आ गया, तो ऐसे में रिपल्सन क्या हो गया? बढ़ गया, समझे? और जो तुमको रिपल्सन का भी जो मैग्नीट्यूड बताए थे ना, उसमें चार ही का बताए थे, उसके अलावा मैंने नहीं लिखा था। तो उसके अलावा यदि कोई भी फॉर्म आपको मिलता है तो उसका रिपल्सिव एनर्जी जीरो मान लेना है। क्या मान लेना है? जीरो मान लेना है, ठीक है ना? तो आप पहले मैं उस चीज़ को, पहले जो कॉन्सेप्ट यहाँ पर रिपल्सिव एनर्जी का जो कॉन्सेप्ट बताया था ना, उसको पहले यार इस वाले एग्जाम्पल में अप्लाई करते हैं हम लोग, ओके? उसके बाद फिर हम लोग दूसरे स्ट्रक्चर में देख कर बताएंगे कौन मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर होगा। हाँ, ये एक काम करते हैं, पहले मैं दूसरा फॉर्म भी ड्रॉ कर लेता हूँ, ओके? उसके बाद फिर हम लोग वो रिपल्सिव एनर्जी वाले, मतलब कि उसके मैग्नीट्यूड के हेल्प से भी मैं बता पाऊंगा कौन मोर स्टेबल है कौन लेस स्टेबल है। तो अभी मैं जस्ट देख कर बताऊंगा स्ट्रक्चर को, लेस स्टेबल और मोर स्टेबल, जस्ट देख कर और ड्रॉ करके। देखो यार कैसे, यहीं पे जस्ट सोचो यार कहाँ पे CH3 को रखा जाए। जो रियल वाला कार्बन में ना, उसमें से जो एक H आया, उस H को इस दोनों CH3 के बीच में डाल दो, जिससे कि यहाँ पे यदि मैं CH3 डाल देता ना तो रिपल्सन थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाता। यहाँ पे देखो सबके सब CH3 एक साथ लगे हुए हैं, यहाँ पे CH3, देखो दो CH3 एक साथ, दो CH3 एक साथ, बीच में दोनों H आके क्या हो गया, इनके बीच का जो चारों CH3 जो एक जगह जमा हो जा रहा था और उसके कारण जो रिपल्सन आ रहा था उसको कम कर दे रहा है। और यहाँ पे CH3 है, बीच में यहाँ पे H आ गया इस दोनों के बीच में, यहाँ भी H आ गया इस दोनों के बीच में, तो ये H क्या हो गया, इसके बीच का रिपल्सन को मिनिमाइज कर दिया। और कोई तीसरा फॉर्म पॉसिबल है क्या? जरा सोचो, फ्रंट कार्बन को तो हमने बोला फिक्स रखने, अब तुम रियर कार्बन पे एक बार CH3 यहाँ रखे, H यहाँ रखे, और एक बार एक H को यहाँ पे रखे, CH3 को यहाँ पे, यहाँ पे रखे। इसके अलावा कोई तीसरा पॉसिबिलिटी है? नहीं। यदि कोशिश करोगे ना तो वही स्ट्रक्चर बन जाएगा, करके देख लो यार, तुम CH3 को कहाँ रखोगे? ऑलरेडी यार यही दो में से एक स्ट्रक्चर बन जाएगा। यदि नहीं समझ आ रहा तो ड्रॉ कर लेना, फिर देख लेना यार, समझ में आ जाएगा, मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा इस पर। हाँ, तो अब बात आता है यार, इसमें से इस दोनों में से मोर स्टेबल कौन स्ट्रक्चर है? तो देख के बता सकते हो, बिल्कुल यार, ये चार CH3 एक साथ, यहाँ रिपल्सन ज़्यादा, यहाँ पर रिपल्सन कम हो चुका है, बीच मैच आ गया, इधर भी बीच मैच आ गया, तो इसलिए ये मोर स्टेबल स्ट्रक्चर हो जाएगा। समझ में? अब रिपल्सिव एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट से मैं यार ये सवाल को करता हूँ। चलो, रिपल्सिव एनर्जी, नेट रिपल्सिव एनर्जी कितना हो जाएगा? आरी का तो रिपल्सिव एनर्जी, ओके? यहाँ पे दो CH3 कितने डिग्री के एंगल पे है? गॉच 60 डिग्री पे, स्टैगर्ड या गॉच बोल सकता हूँ मैं। तो अब यहाँ पे यदि 60 डिग्री पे दो CH3 ग्रुप है, तो उसके बीच का नेट रिपल्सिव एनर्जी क्या लेते हैं? 0.9।
तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 0.9। यहाँ पे 60 डिग्री पे कितने ग्रुप लगे हुए हैं, इसे क्या बोलूँगा मैं, एक तो ये और एक ये, तीन ग्रुप लगा हुआ तो 0.9 × 3। और इसके अलावा क्या CH3 और HCl गॉज पे रहा, ये भी तो एंगल 60 डिग्री है, क्या इन दोनों के बीच में भी कोई स्ट्रेन, कोई अनस्टेबिलिटी आएगा, रिपल्सिव एनर्जी आएगा? नहीं, गॉज वाले के केस में केवल CH3 यदि गॉज पे हो, 60 डिग्री पे हो, तो ही उसका रिपल्सिव एनर्जी को लेना है। अदरवाइज यदि कोई दूसरा ग्रुप HH यदि 60 डिग्री पे हो, CH3 और HCl 60 डिग्री पे हो, तो ऐसे में उसका रिपल्सिव एनर्जी को आपको नहीं लेना है। क्लियर? वहां पर नोट करके लिख लेना यार, वहां पर लिखा नहीं था मैंने, ठीक है ना, तो आप लोग नोट करके वहां पे लिख लेना कि ऑल अदर केसेस में जो रिपल्सिव एनर्जी का मैग्नीट्यूड हो जाएगा वो जीरो हो जाएगा। मतलब HH यदि मान लो तुम्हारा गॉज पे आ जाए या एंटी 180 पे आ जाए, तो ये सब ऑलरेडी मतलब जीरो मान लेना आपको रिपल्सिव एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पे 0.9 × 3 कितना हो गया, 2.7 नेट रिपल्सिव एनर्जी ही आया। इस वाले में रिपल्सिव एनर्जी कितना आ गया, पहले यही वाला तुम लोग खुद से रिपल्सिव एनर्जी कैलकुलेट करके बताओ जा रहा है कितना आ जाएगा। तो ये CH3 गॉज पे है, तो यहां से 0.9 तो आएगा यार, 0.9 यहां पे भी तो 0.9 आ जाएगा, ये भी तो गॉज पे है, क्या इसका कोई रिपल्सिव एनर्जी आएगा या इसका या इसका या इसका? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये सब गॉज पे लगा है और CH3H नो रिपल्सिव, तो इसीलिए यहां पे 0.9 × 2 ही होगा, दैट इज 1.8। अब दोनों में कौन मोर स्टेबल है, ये वाला कि वो वाला? रिपल्सिव एनर्जी है, जहां रिपल्सिव एनर्जी कम वो मोर स्टेबल, तो इसीलिए ये वाला मोर स्टेबल हो जाएगा और ये वाला लेस स्टेबल, समझे? तो हम लोग देख के भी बता सकते हैं, ऐसा नहीं कि देख कर नहीं बता सकते हैं, बट मान लो यार नहीं समझ में आ रहा है, तो ऐसे में आप रिपल्सिव एनर्जी निकाल लो, आपको मैग्नीट्यूड का तो वैल्यू बता ही दिए, तो इस तरह से आप लोग आसानी से बता सकते हैं। क्लियर है जैसे? हाँ, गुड। तो आपको यार ये नोट कर लो, एक दो एग्जांपल और इस पे अभी हम लोग बेस्ट करेंगे, और कुछ नया केसेस भी हम लोग अभी देखने वाले हैं, कुछ स्पेशल केसेस जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग पहले इसे नोट कर लो, फिर हम लोग इस पे आते हैं। तो देखो यार, अब हम लोग कुछ स्पेशल केसेस देखेंगे जहां क्या होता है गॉज फॉर्म और एंटी स्टैगर्ड फॉर्म। अब तक हमने क्या देखा, पहले ये बता दो यार, गॉज फॉर्म और एंटी स्टैगर्ड मोर स्टेबल कौन होता है? एंटी स्टैगर्ड होता है। क्यों? एंगल, डायहेड्रल एंगल 180 डिग्री, डायहेड्रल एंगल ज्यादा, स्टेबिलिटी ज्यादा। लेकिन कुछ ऐसे भी स्पेशल केस होते हैं जहां गॉज फॉर्म एंटी स्टैगर्ड से ज्यादा स्टेबल हो जाता है। अब बात आती है ऐसा क्यों और कौन सा वो स्पेशल केस है, चलो यार अब उसकी बात कर लेते हैं हम लोग। तो देखो यार, मान लो यार हम एक कंपाउंड लेते हैं CH2OH, इस कंपाउंड का नाम याद है तुम लोगों को? ज्यादा कि नहीं याद है? नहीं याद है नाम यार, देख लो, याद हो यार तुम लोग को, मैंने बहुत बार तुम लोग को बताया हूँ, एथिलीन ग्लाइकोल, सिंपली ग्लाइकोल भी लिखा जाता है। जेई नीट अभी जो भी मैं बता रहा हूँ ना, और आज के लेक्चर में जितना बता रहा हूँ जेई और नीट दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, आगे का एक दो लेक्चर जो भी बचा रहेगा वो नीट वालों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा, और मैं बोल सकता हूँ जेई मेन के लिए भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा, लेकिन ये सब चीज़ जेई मेन और नीट दोनों एस्पिरेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग सभी लोग ध्यान से देखना। CH2OH, मैं को इसका पहले न्यूमैन प्रोजेक्शन ड्रॉ करना है, ओके? तो मैं इसका पहले न्यूमैन ड्रॉ करता हूँ। यदि मैं तुम लोगों को यार बोलूँगा तो तुम लोग कैसे ड्रॉ करोगे, एक ओ एच यहाँ, एक एच यहाँ, एक एच। यदि मैं स्टेबल फॉर्म की बात करूँ इसका, स्टेबल फॉर्म, तो कैसे ड्रॉ करोगे? इस कार्बन पे 2H और एक ओ एच लगा है, तो आप लोग क्या करोगे, कुछ लोग ऐसा करेंगे ओ एच यहाँ, एच यहाँ, एच यहाँ, यही करोगे ना? हाँ हाँ बिल्कुल यार, यही करोगे तुम लोग। दूसरा एक और फॉर्म पॉसिबल है, OH यहाँ, H यहाँ, H यहाँ। दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है? दूसरा पॉसिबिलिटी, OH को हम यहाँ से उठा के एक काम करो ना, ये थोड़ा ये हो गया, मैं स्टेबल वाला OH यहाँ, H यहाँ, एक्लिप्स वाला ड्रॉ मत करो, एक्लिप्स वाला तो यार अनस्टेबल होता है, वो तो एकदम पीछे जाएगा ही, उसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। जो स्टैगर्ड, जो एंटी स्टैगर्ड और जो गॉच है ना, उसमें कॉम्पिटिशन अभी है, पार्सली और फुल्ली एक्लिप्स वाला पीछे ही रहेगा, उसके बारे में तुम लोग यार सोचना ही नहीं है, सोचना ही नहीं है। यहाँ पे OH आया, यहाँ पे H आया, यहाँ पे H आया, अब मैंने OH को एंटी स्टैगर्ड पोजीशन पे लगा दिया, 180 पे लगा दिया HH, ठीक है ना? अब बात आती है इस दोनों में से कौन सा फॉर्म ज़्यादा स्टेबल है, कौन सा फॉर्म ज़्यादा स्टेबल है यार बताओ। यहाँ पे OH 60 डिग्री पे, यहाँ पे OH 180 डिग्री पे, तुम लोग देखोगे यार बल्कि ग्रुप तो OH है, H तो यार सबसे छोटा ग्रुप है,
तो OH यहाँ पे 60, यहाँ OH 180, ये एंटी स्टैगर्ड फॉर्म है, ये गॉच फॉर्म है, ये गॉच है और ये एंटी स्टैगर्ड है। तुम लोग तुरंत देखकर बोलोगे 180 एंटी स्टैगर्ड मोर स्टेबल देन गॉच, बट इस केस में ऐसा नहीं होता है। अब बात आती है ऐसा क्यों, आखिरकार क्यों, क्या रीजन इसके पीछे, थोड़ा सा सोचो और दिमाग लगाओ यार, हो सकता है दिमाग आपका लग जाए, काम कर जाए। तो यार देखो यहाँ पे OH गॉच पे, ऐसे में यहाँ पे क्या होता है, एच बॉन्डिंग याद आ रहा है कैसे यार, एच बॉन्डिंग देखो यार जिनको नहीं समझ में आ रहा, ये एच है दिख रहा है, एच बॉन्डिंग कैसे हो रहा है यहाँ पे, हाँ एच बॉन्डिंग की वजह से क्या हो गया, अब रिपल्सन होगा क्यों, और अट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएगा, अट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएगा। OH पास में लगा है ना, एच बॉन्डिंग हो गया ना, ये तो और सिस्टम को स्टेबलाइज कर दिया। और बताए भी यार जहाँ एच बॉन्डिंग हुआ एनर्जी रिलीज होता है, और एनर्जी रिलीज हो रहा तो वो सिस्टम को स्टेबलाइज करेगा, इसलिए यहाँ पे गॉच फॉर्म का स्टेबिलिटी बढ़ जाता है एंटी स्टैगर्ड वाले फॉर्म से भी। यहाँ पे क्या पार्शियली एक्लिप्स और एक्लिप्स फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करेगा, नहीं ऐसा नहीं यार, यहाँ पे भी एग्जिस्ट करेगा, बट उसका स्टेबिलिटी ये सबसे पीछे ही होने वाला है। यदि मैं ओवरऑल स्टेबिलिटी की बात करूँ, ओवरऑल स्टेबिलिटी, तो सबसे पहले कौन सबसे मोर स्टेबल होगा, एंटी सॉरी कौन सा गॉच देन एंटी स्टैगर्ड, देन दो फॉर्म यहाँ पे और भी बनेगा, एक पार्शियली एक्लिप्स और एक फुल्ली एक्लिप्स। पार्शियली एक्लिप्स में क्या होगा, OH के पीछे H आ जाएगा, यहाँ पे एक जगह OH आ जाएगा और एक जगह H आ जाएगा, लेकिन फुल्ली एक्लिप्स में क्या होगा, OH के पीछे OH आ जाएगा, बाकी H आ जाएगा। तो यदि मैं ओवरऑल स्टेबिलिटी की बात करूँ, तो गॉच फिर एंटी स्टैगर्ड, फिर जो होना चाहिए था पार्शियली एक्लिप्स और लास्ट में फुल्ली एक्लिप्स, ऐसा समझे। तो यहां पे क्या हो गया, गॉच इज मोर स्टेबल देन एंटी स्टैगर्ड फॉर्म, ये थोड़ा एक एक्सेप्शनल केस है, और ये एक्सेप्शनल केस यहां पे क्यों ऑब्जर्व हो रहा है, क्योंकि यहां पे गॉच में एच बॉन्डिंग आ गया। तो इसी चीज को आपको नोट करके लिख लेना है कि जनरली एंटी स्टैगर्ड फॉर्म इज मोर स्टेबल देन गॉच, बट इन सम केसेस, सम स्पेशल केसेस गॉच इज मोर स्टेबल देन एंटी स्टैगर्ड। और इसका रीजन क्या है, दिस इज बिकॉज ऑफ, बता दो यार, दिस इज बिकॉज ऑफ, दो रीजन हो सकता है इसके पीछे, दो रीजन हो सकता है। एक रीजन तो हम लोग बोल देंगे सिंपली यहां से भी एच बॉन्डिंग, यदि कहीं गॉच में एच बॉन्डिंग प्रेजेंट हो तो ऐसे केस में वो एंटी स्टैगर्ड से ज्यादा स्टेबल हो जाएगा स्टैगर्ड गॉच वाला फॉर्म। यदि एच बॉन्डिंग गॉच पे हो रहा हो तो, गॉच पे एच बॉन्डिंग हो रहा हो तो, दूसरा रीजन क्या हो सकता है, आयन डायपोल इंटरेक्शन। मान लो कहीं गॉच पे आयन डायपोल इंटरेक्शन प्रेजेंट हो, डायपोल मैंने नहीं बोला, मैंने आयन डायपोल बोला, मतलब एक गॉच पे एक लगा हुआ है आयन और दूसरा है डायपोल, यदि ऐसे ग्रुप लगे हुए तो वहां पे भी गॉच फॉर्म एंटी स्टैगर्ड से ज्यादा स्टेबल हो जाता है। ये तो एच बॉन्डिंग वाला केस क्लियर है ना, क्लियर है ना, हाँ क्लियर है। तो अब हम लोग एक और केस देख लेते हैं जहाँ एंटी, अच्छा एक इसी में, इसी को मैं जनरलाइज कर देता हूँ, और क्या क्या इसमें क्वेश्चन बन सकते, एक तो ये क्वेश्चन बन सकता है, और ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है। तो इसलिए आप लोग यार इसको नोट करके लिख लेना कि इंपॉर्टेंट कर लेना, मान लो यहाँ पे OH के जगह पे कोई भी ग्रुप, दूसरा ग्रुप जेड हो, अब तुम लोग बता दो यार मुझे, नाम इसका चेंज हो जाएगा फिर, मान लो जेड के जगह पे OH रहा तब तो एच बॉन्डिंग होता ही है, और क्या क्या ग्रुप हो सकता है जो कि ये गॉच में एच बॉन्डिंग स्टार्ट कर देगा, तो OH है तो फॉन में से कोई भी एलिमेंट हो जाए एच बॉन्डिंग स्टार्ट कर देगा, तो OH तो रहा, NH2 भी रहा तो भी एच बॉन्डिंग स्टार्ट हो जाएगा, क्यों OH और N के बीच में फिर बॉन्डिंग स्टार्ट हो जाएगा एच बॉन्डिंग, NH2 की जगह पे COH रहा तो भी हो जाएगा एच बॉन्डिंग स्टार्ट, CHOaldehyde रहा तो भी स्टार्ट हो जाएगा, मान लो फ्लोरिन रहा तो भी हो जाएगा, मान लो ईस्टर रहा तो भी हो जाएगा। इस तरह का कोई भी ग्रुप ऑक्सीजन वाला, नाइट्रोजन वाला या फ्लोरीन वाला लगा रहा इस पोजीशन पे, तो वो तुरंत इसके साथ एच बॉन्डिंग कर लेगा, और ऐसे में गॉच वाला फॉर्म मोर स्टेबल हो जाएगा एंटी स्टैगर्ड फॉर्म से, समझे। तो इस चीज को भी यार लिख लेना, तो ऐसे में क्या हो जाएगा, यह सब केस में
गॉच मोर स्टेबल हो जाएगा एंटी स्टैगर से, समझे। एक और एग्जांपल की मैं बात करता हूँ, एक और एग्जांपल ये आयन डाइपोल के लिए। मान लो यार CH2 यहाँ पे Cl है, यहाँ पे CH2, यहाँ पे NH3+ है। इसका पहले स्ट्रक्चर बनाते हैं। यहाँ पे क्या लगा हुआ है, एक Cl और दो H लगा हुआ है। हम लोग पार्सली और फुल्ली एक्टिव के स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं करेंगे, हम लोग केवल दो ही एंटी स्टैगर्ड और गॉज को ड्रॉ करेंगे और उसमें स्टेबिलिटी को कंपेयर करेंगे, ठीक है ना। हाँ, तो मैं पहले यहाँ पे रियर कार्बन पे दो एच है और एक NH3+ है, तो एक NH3+ एक एच एक एच। अब बल्कि ग्रुप को मैंने पहले गॉज पे रख दिया, अब बल्कि ग्रुप को हम कहाँ रखेंगे, एंटी स्टैगर्ड पे रखेंगे, मतलब यहाँ पे। कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, तो देखो यार यहाँ पे Cl पे डेल माइनस होगा ना, डाइपोल यार, पोलर कंपाउंड हो जाएगा, नहीं पोलर बन जाएगा बॉन्ड। तो इस तरह से NH3+ और Cl- में एक आयन डाइपोल इंटरैक्शन डेवलप हो जाएगा। और आयन डाइपोल इंटरैक्शन क्या होता है, कि स्ट्रांग इंटरैक्शन होता है, इसलिए यहाँ पे इंटरैक्शन बढ़ गया, एनर्जी रिलीज होगा, एनर्जी रिलीज होता है, स्टेबिलिटी बढ़ेगा। बताए थे ना, कहीं भी एच बॉन्डिंग में भी क्या होता है, एनर्जी रिलीज होता है। आयन डाइपोल इंटरेक्शन में भी एनर्जी रिलीज होता है। ऐसे केस में एनर्जी रिलीज हो रहा है और स्टेबिलिटी कंपाउंड का बढ़ेगा, क्योंकि ओवरऑल सिस्टम का एनर्जी तो घट रहा है ना, कम हो रहा है, इसलिए, समझे। तो इसीलिए यहाँ पे भी इस वाले का गॉज फॉर्म का स्टेबिलिटी इस एंटी स्टैगर्ड से ज़्यादा हो जाएगा, समझ में आया। तो ये दोनों एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि गॉज फॉर्म भी मोर स्टेबल हो जाता है देन एंटी स्टैगर्ड। और इसका दो रीजन है, एक तो रीजन है एच बॉन्डिंग और दूसरा है आयन डाइपोल इंटरेक्शन। दोनों का एक एक एग्जाम्पल आप लोगों को बता दिया, क्वेश्चन इस पे बेस्ट आते हैं, आपको शीट में दिख जाएगा, आप सॉल्व करोगे तो मिल जाएगा आपको क्वेश्चन, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा जो भी गॉज फॉर्म और एंटी स्टैगर्ड फॉर्म जो है उसका स्टेबिलिटी से रिलेटेड। इसके बाद कुछ और चीज़ें हम लोग अभी देखेंगे, ठीक है। एक और इस पर हम लोग बेस्ट अभी क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग चलेंगे साइक्लोहेक्सेन के कन्फॉर्मेशन पे। तो फिलहाल इसको मैं मिटा देता हूँ, आप लोग यार नोट कर लो इसे। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है यार, यहाँ पे CH2 CH2 CH, यहाँ पे भी CH। आपको मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, कन्फॉर्मेशन ड्रॉ करना है व्हेन pH 2 एंड व्हेन pH = 10। आपको खुद से करना है, ठीक है, खुद से करना है और बताना कि कौन सा मोर स्टेबल हो रहा है। थोड़ा सा सोचना पड़ेगा और इसको थोड़ा कोशिश करो खुद से, ठीक है। और यदि आंसर सही आता मुझे बताना या कमेंट में कमेंट करना। चलो देखो यार, सबसे पहला काम होगा हमें कन्फॉर्मेशन ड्रॉ करने की। कार्बन के साथ क्या लगा है, दो हाइड्रोजन एंड एक COH। चलो COH टॉप पे लगा देते हैं, लगा दिए टॉप पे। दूसरा क्या है, दूसरे कार्बन पे भी एक HH और एक COH है, लेकिन हमसे सवाल बोला गया है सवाल में pH 2 और pH 10 पे। तो पहले हम लोग pH 2 के लिए मोर स्टेबल कन्फॉर्मर्स को ड्रॉ कर लेते हैं। pH 2 का मतलब क्या है, क्या मतलब है pH 2, मतलब मीडियम एसिडिक है, बस यही मतलब है। अब मीडियम एसिडिक है तो क्या कोई रिएक्शन यहाँ पे पॉसिबल है, यदि कोई मान लो CH2 यहाँ पे COH है, CH2 COH है, एसिडिक मीडियम का मतलब क्या H+ है, सॉल्यूशन में H+ का बोलबाला है, तो ऐसे में क्या कोई रिएक्शन यहाँ पे ऑब्जर्व होगा, कोई रिएक्शन होगा क्या मीडियम के साथ, एसिडिक मीडियम के साथ ना। ये भी एसिड है, ये भी एसिड है, कोई रिएक्शन नहीं होगा, ये COH ऐसे ही एज इट इज पड़ा रहेगा, ये तो एसिडिक कंपाउंड है, ये बेसिक कंपाउंड थोड़ी ना। हाँ, यदि मान लो इसमें कोई बेसिक ग्रुप प्रेजेंट होता, सुन लो यार मेरी बात को ध्यान से, यदि कोई बेसिक ग्रुप इसमें प्रेजेंट होता, मान लो NH2 ऐसा कुछ ग्रुप प्रेजेंट होता, तो ऐसे केस में यदि H+ रहता तो उसके साथ रिएक्ट कर जाता, लेकिन फिलहाल यहाँ पे कोई रिएक्शन होने वाला है नहीं। जब रिएक्शन होने वाला नहीं है तो ऐसे केस में COH और HH, रियर कार्बन पे हमें क्या लगाना है, दो H और एक COH लगाना है, कहाँ पे लगाया जाए। एक्लिस फॉर्म को तो छोड़ दो, हमें मोस्ट स्टेबल ड्रॉ करना है, तो आइदर एंटी स्टैगर्ड वाला मोर स्टेबल होगा या फिर एंटी स्टैगर्ड या गॉच वाला स्टेबल होगा। अब यदि दो CH लगाना, तो CH एंटी स्टैगर्ड या गॉच कौन मोर स्टेबल होगा, गॉच वाला। क्यों, क्योंकि यदि COH को यहां पे मैं लगा दूं तो क्या ऑब्जर्व होगा, एच बॉन्डिंग, समझे। और एच बॉन्डिंग के कारण गॉज जो है वो मोर स्टेबल हो जाएगा देन एंटी स्टैगर्ड। तो इसीलिए ये गॉज फॉर्म होगा जो मोर स्टेबल हो जाएगा।
क्लियर है ना? हाँ वेरी गुड, शाबाश। अब पी एच इक्वल टू 10, यदि ये नहीं बना था तो अब समझ में आ गया होगा। और अब पी एच 10 वाला तुम लोग खुद से ड्रॉ करो और मुझे बताओ कौन सा फॉर्म मोर स्टेबल होगा, ट्राई करो। तो सबसे पहले यार ग्रुप है सी एच टू सी ओ एच, यहाँ पे भी सी एच टू सी ओ एच, मीडियम पी एच इक्वल टू 10, इसका मतलब क्या हो गया? मीडियम बेसिक है। और यदि मीडियम बेसिक है तो अब यहाँ पे तो एसिडिक ग्रुप प्रेजेंट हमें दिख रहा है, क्या हो जाएगा? इसके बीच में रिएक्शन हो जाएगा। रिएक्शन का मतलब OH को H प्लस बहुत प्यारा होता है, जहाँ भी H प्लस दिख जाएगा OH माइनस क्या करेगा, उस H प्लस को अपने साथ भगा ले जाएगा। तो अब ऐसे में ये जो ग्रुप दिख रहा है ना, अब वो ऐसा नहीं दिखने वाला है। कैसा दिखने वाला है फिर? हाँ तो देखो यार, ये जो एच सी ओ एच का एच प्लस था ना, ये ओ एच माइनस के साथ फरार हो चुका है। यहाँ से भी सी एच टू, यहाँ पे भी क्या आ गया, सी ओ माइनस आ गया। देखिए ओ एच माइनस, जहाँ जहाँ एसिडिक हाइड्रोजन दिखेगा वो सभी हाइड्रोजन को, एसिडिक हाइड्रोजन को ओ एच माइनस अपने साथ भगा ले जाएगा, समझे ना? तो यहाँ पे भी एसिडिक हाइड्रोजन था, यहाँ पे भी था, दोनों एच प्लस को गायब कर दिया। अब बात आती है यार, ऐसा है तो इसका स्टेबल फॉर्म क्या बनेगा? एक्लिप्स फॉर्म तो बनाना है नहीं, आपके पास दो ही ऑप्शन है, एक तो एंटी स्टैगर, दूसरा गॉच। अब शायद उम्मीद है कि तुम लोग अब समझ में आ गया होगा कि कौन सा मोर स्टेबल हो जाएगा। तो एक तो सी ओ माइनस है, एक एच है, एक एच है। क्या सी ओ माइनस में यहां पर लगा दूंगा? नहीं यार, बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि अब तो यहाँ पे कोई एच बॉन्डिंग ही पॉसिबल नहीं है, बेचारा का तो हाइड्रोजन ही नहीं रहा, तो एच बॉन्डिंग कहाँ से करेगा? ऊपर से यहाँ पे भी माइनस, यहाँ से भी माइनस, कितना रिपल्सन झेलेगा यार? पहले से इसके पास इतना दुख है, माइनस माइनस और दुख। तो इसीलिए अब सी ओ माइनस यहाँ नहीं रहना पसंद करेगा, अब ये सी ओ माइनस इस वाले से दूर हो जाएगा और एक एच यहाँ, एक एच यहाँ। और ये कौन सा फॉर्म है? एंटी स्टैगर्ड फॉर्म है, विच विल बी मोर स्टेबल देन गॉच फॉर्म इन दिस केस। समझ में आया? तो इसलिए पीएच टू और पीएच टेन में, पीएच टेन में एंटी स्टैगर्ड मोर स्टेबल, पीएच टू में गॉच फॉर्म मोर स्टेबल। इस तरह के और भी सवाल बना सकते हैं, मेन जो कॉन्सेप्ट का जो थीम था वो मैंने आपको बता दिया। तो चलो यार अब नोट कर लो, और एक छोटा सा लास्ट टॉपिक से बेस्ड गॉच इफेक्ट हमें देखना है, तो आप लोग डाल लो हेडिंग, इसको पहले नोट कर लो आप लोग। तो चलो यार बच्चों, प्यारे बच्चों, अभी हम लोग क्या देखने वाले हैं? गॉज इफेक्ट। तो पहले आप लोग हेडिंग डालो, डरना मत यार, 5 से 10 मिनट का टॉपिक है, ठीक है? थोड़ा सा लास्ट 5-10 मिनट के लिए पेशेंस बना के रखो। गॉज इफेक्ट, समझ तो आ रहा ना यार तुम लोग को? ऊपर से पार तो नहीं हो रहा? हाँ ऐसा होता है, बता दिया करो, ठीक है ना? फिर उसी के अकॉर्डिंग चला जाएगा हम लोग। गॉज इफेक्ट, गॉज इफेक्ट क्या होता है पहले मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ, एग्जाम्पल से पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसके बाद फिर गॉच इफेक्ट के बारे में लिख दूंगा। सी एच थ्री, सी एच टू, एन एच टू, यहाँ पे एक लोन पेयर है, ठीक है? होगा क्या देखना, समझना यार तुम लोग। मैं इसको अल्फा कार्बन कर देता हूँ, इसको मतलब अल्फा, इसको बीटा आइटम कर देता हूँ। अल्फा का तो फ्रंट, बीटा का तो बैक रियर, ये अल्फा और ये बीटा। यहाँ पे फ्रंट कार्बन पे, अच्छा ऐसा मत समझना कि यहाँ पे नाइट्रोजन कहाँ से आ गया, कार्बन अब तक होता था, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि कार्बन ही होगा, कोई भी आइटम हो सकता है, ठीक है ना? किसी का एकाधिकार नहीं है कि भाई कार्बन ही रहेगा तभी हम न्यूमैन प्रोजेक्शन बनाएंगे, कार्बन के अलावा नहीं कोई बना सकता, ऐसा नहीं है, कोई बना सकता है, ठीक है? अब नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के साथ दो एच लगा है, एक लगा हुआ है लोन पेयर और एक रियर में चला जाएगा सी एच थ्री, रियर में चला जाएगा सी एच थ्री। तो मान लो यार मैं लोन पेयर को यहां पे ड्रॉ कर देता हूं, और दो जगह क्या आ जाएगा, एच एच आ जाएगा। अब रियर कार्बन हमारा बीटा वाला रियर कार्बन है, बैक कार्बन है, तो इस कार्बन पे दो एच और एक सी एच थ्री ग्रुप लगा है। तो अब यहां पे क्या बोलते हैं, एक्लिप्स और फुल्ली और पार्शियली एक्लिप्स तो बनाना है नहीं अपने को, अपने को बनाना है एंटी स्टैगर्ड या गॉच। तो अब बात आती है दो हाइड्रोजन और एक सी एच थ्री को कहां रखा जाए। हमारे पास एक ऑप्शन है, यहाँ पे सी एच थ्री को रख दो और यहाँ यहाँ एच को रख दो। दूसरा ऑप्शन हमारे पास ये बन सकता है कि अभी क्या किया था मैंने, यहाँ सी एच थ्री रख दिया था, यहाँ यहाँ एच रख दिया था। अब मान लो सी एच थ्री इस दोनों में किसी एक जगह पे रख देता हूँ, ये दोनों आइडेंटिकल है ना, इधर भी एच है इधर भी एच है, तो सी एच थ्री को यहाँ रखो या यहाँ रखो, सेम बात है।
और इस दोनों जगह पे अब मैं CH3 इधर रख दिया तो फिर इस दोनों पे H आ जाएगा। बाकी इसके अलावा जो भी पार्शली और फुल्ली एक्लिप्स बनेगा, पार्शली एक्लिप्स तो इसमें बन ही नहीं सकता है ना, नहीं बन सकता क्योंकि H और CH3 फुल्ली एक्लिप्स तो नहीं बन सकता, तो इसलिए बाकी स्ट्रक्चर अपने को ड्रॉ करना है नहीं, अपने को स्टेबल वाला ड्रॉ करना, स्टेबल में एंटी और गॉच ये दो आ सकता है। चलो ये फॉर्म हो गया। अब इसमें देखो होगा क्या, मोर स्टेबल स्ट्रक्चर कौन सा होगा इस दोनों में से, ये बताना है आपको सोचकर। तो देखो यार, जहाँ पे लोन पेयर होता है ना, छोटा सा यार दो नाइट्रोजन है, यही दो इलेक्ट्रॉन है, यही ना मतलब हुआ लोन पेयर का मतलब। तो यहाँ पे लोन पेयर है, इसका मतलब इसे समझो कि वहाँ पे एम्प्टी स्पेस पड़ा है। क्या पड़ा है? एम्प्टी स्पेस पड़ा है। और यदि वहाँ पे एम्प्टी स्पेस है तो जो बल्की ग्रुप है वो कहाँ आना चाहे आना पसंद करेगा, एच के बगल में या फिर लोन पेयर के बगल में? तो यार CH3 बल्की ग्रुप है, वो चाहेगा जहाँ खाली हो, सन्नाटा हो, मेरे को किसी से रिपल्सन फील ना करना हो, वहां हम चले जाएं। तो यदि इस एग्जाम्पल में बात करूं तो बताओ यार तुम्हें लोग CH3 कहां पसंद करेगा रहना, इस दोनों एच के बीच में या फिर इस लोन पेयर के बगल में, कि एक तरफ से लोन पेयर और एक तरफ से एच, इस CH3 के लिए कौन मोर प्रेफरेबल प्लेस होगा बता। यहां पर CH3 को लगा देते दोनों साइड एच आ गया, यहाँ पे CH3 को लगा देते एक साइड एच एक साइड लोन पेयर, और लोन पेयर का मतलब यार इतना बड़ा दिखा दिया, इतना बड़ा होगा नहीं, होगा एकदम छोटा सा दो इलेक्ट्रॉन। तो लोन पेयर आ गया, इसका मतलब ऐसा समझ सकते हो कि वहाँ पे एम्प्टी स्पेस है और ऐसे में रिपल्सन वहाँ मिनिमम हो जाएगा, इसलिए जो बल्की ग्रुप होता है वो लोन पेयर के बाजू में 60 डिग्री पे रहना चाहता है। मतलब इस दोन में मोर स्टेबल फॉर्म कौन हो गया? ये वाला, इसीलिए ये वाला हो गया मोर स्टेबल। तो इसलिए यहाँ पे एक मैं नोट करके लिख सकता हूँ कि गॉच इफेक्ट में क्या होता है, लोन पेयर के बगल में बल्की ग्रुप आना चाहता है, इसी इफेक्ट को गॉच इफेक्ट कहते हैं। मतलब लोन पेयर के रेस्पेक्ट में बोलूँ तो गॉच पोजीशन पे, इस पोजीशन को ही नाम मैं देता हूँ गॉच, लोन पेयर के बगल वाले पोजीशन को मैं क्या नाम दे दूंगा, गॉच, 60 डिग्री पे ना, इसलिए ठीक है। तो गॉच पोजीशन पे कोई भी बल्की ग्रुप जो है ना वो लोन पेयर के रेस्पेक्ट में गॉच पोजीशन पे आना चाहता है, इसलिए इस इफेक्ट को गॉच इफेक्ट कहा जाता है, समझे? तो चलो यार यहाँ पे मैं लिख देता हूँ गॉच इफेक्ट क्या होता है, लिख लो यार तुम लोग नोट करके या खुद से लिख लो। मोस्ट या मोर सब मोर बल्कि सब्सिस्टेंट, मोर सब बल्कि सब्सिस्टेंट ऑक्यूपाइज गॉच पोजिशन विथ रेस्पेक्ट टू लोन पेयर, दिस इफेक्ट इज नोन एज गॉच इफेक्ट। समझे? हाँ, तो ये तो हो गया गॉच इफेक्ट। चलो यार इस पे दो तीन आप लोग छोटे छोटा प्रॉब्लम कर लेते हैं जिससे कि अपने गॉच इफेक्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छा हो जाए। तो अब पहले मैं इसे मिटा देता हूँ और कुछ यहाँ पे मैं एग्जाम्पल आप लोग के लिए लिख देता हूँ। तो चलो यार देखो यार यहाँ पे कुछ तीन एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हूँ, इस तीनों को आपको मोर स्टेबल कन्फर्मोस ड्रॉ करना है। चलो करो खुद से। पहला वाला आपको अल्फा इसको बीटा इसको मानना है, मतलब अल्फा बीटा मतलब ये अल्फा का मतलब फ्रंट कार्बन इसको मानना, रियर कार्बन आपको बीटा वाले को मानना। ओके, तो पहला वाला को मैं ड्रॉ करता हूँ। ओ पे क्या लगा हुआ है? ओए कार्बन ऑक्सीजन तीन तीन बॉन्ड कैसे बना देगा यार, दो लोन पेयर होगा क्या? एक CH3 है और एक और लोन पेयर हो जाएगा, ठीक है ना? तो ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर आ गया तो एक लोन पेयर इधर ड्रॉ कर देता हूँ मैं, एक लोन पेयर इधर ड्रॉ कर देता हूँ, और एक ग्रुप क्या लगा? CH3 लगा है। ओके, अब रियर कार्बन पे आओ। रियर कार्बन पे दो एच है और एक CH3 है, दो एच है और एक CH3 है। तो रियर कार्बन पे ये तीन ग्रुप आएगा यहाँ, तो HS तो यार हल्का है, बहुत हल्का, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेन CH3 बल्की ग्रुप है, उसको कहाँ रखाना है ये आपको सोचना है, और आपको मोर स्टेबल कन्फॉर्मर्स बनाना है। कहाँ रखा जाए बता दे। तो ये लोन पेयर इसका मतलब क्या है? एम्प्टी है, खाली है, कुछ नहीं है। CH3 कहाँ रखा जाए, इधर या फिर इधर रखा जाए? तो यदि CH3 इधर रखेंगे, इधर तो चलो कोई रिपल्सन नहीं आएगा, लेकिन इस CH3 से रिपल्सन आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे यदि मैं CH3 को रख दूँ तो इधर से रिपल्सन आ जाएगा, इधर से नहीं आएगा, और यहाँ पे यदि मैं CH3 को रख दूँ तो इधर से भी रिपल्सन जीरो, इसलिए ये मोर स्टेबल स्ट्रक्चर हो जाएगा, समझे? अब रियर कार्बन पे 2H बचा, लगा दो 2H, यही है मोर स्टेबल कन्फर्मर्स ऑफ फर्स्ट। क्लियर है?
वेरी गुड यार। सेकंड वाले पे आ जाओ, सेकंड वाले को मैं इधर ड्रॉ कर देता हूँ। फ्रंट पे क्या है, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के साथ एक लोन पेयर, लोन पेयर को मैं इधर ड्रॉ करता हूँ और एक CH3 और एक H है। क्लियर है, क्लियर है ना? हाँ वेरी गुड यार, वेरी गुड, शाबाश। तुम लोग अगर बनाओ जल्दी से बनाओ। रियल कार्बन पे क्या है, दो हाइड्रोजन और एक CH3 है, पोजिशन तो यही रहेगा। अब बात आती है यार, HH को तो कहीं भी लगा सकता हूँ, तो मेरे हाथ में है, लेकिन CH3 को थोड़ा सोचना पड़ता है। CH3 को पहले सेट कर लो, CH3 सही जगह पे सेट हो गया फिर बाकी का सोचना ही नहीं है। कहाँ होगा CH3 यार बता दे। CH3 इधर तुम मत लगाना यार, इधर गलती से मत लगाना, इधर से भी रिपल्सन, इधर से भी रिपल्सन, बेचारा कितना रिपल्सन फील करेगा। इधर भी इधर तो यार बिल्कुल मत लगाना, इधर भी लगा दोगे तो अच्छा, यहाँ पे और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो लगाया नहीं जा सकता CH3, दो पोजीशन है, आइधर यहाँ या यहाँ पे। यदि इधर लगा देंगे CH3 तो इधर तो नो रिपल्सन, लोन पेयर से नो रिपल्सन, बट इस CH3 से रिपल्सन फील करने लगेगा, तो इसलिए CH3 को यहाँ मत लगाओ, यहाँ लगा तो यार बेहतर है। इधर से तो नो रिपल्सन, इधर से रिपल्सन होगा, बट ये H के कारण रिपल्सन ना के बराबर। लेकिन यहाँ पे यदि मैं CH3 लगा देता ना, इधर से नो रिपल्सन, लेकिन यहाँ पे CH3 लगा हुआ है, यहाँ पे रिपल्सन आ जाता, लेकिन यहाँ पे लगा तो ये H, इधर लोन पेयर, दोनों तरफ से फायदा हो गया इसको, इसलिए यहाँ पे हम CH3 लगा देंगे और इस दोनों जगह पे H लगा देंगे, समझे? तो इसलिए ये मोर स्टेबल कन्फर्म हो गया 2 का। अब थर्ड वाला यार तुम लोग खुद से कर लो, थर्ड वाला तुम लोगों से हो जाना चाहिए, इतना तो तुम लोग यार अब होशियार हो चुके हो। स्ट्रक्चर देखो यार, फ्रंट कार्बन क्या है, ये फर्स्ट एग्जाम्पल था, ये सेकेंड एग्जाम्पल था, और ये मैं थर्ड एग्जाम्पल ड्रॉ कर रहा हूँ। फ्रंट इस पे एक लोन पेयर है, लोन पेयर को तो मैं ऐसा, अच्छा यहाँ नाइट्रोजन है, लोन पेयर। अब एक इथाइल ग्रुप है और एक मिथाइल ग्रुप है, मान लो ये मिथाइल ग्रुप है और ये मिथाइल ग्रुप है और ये इथाइल ग्रुप है, ओके। रियर कार्बन पे दो CH3 और एक H है, दो CH3 और एक H है, तो कहाँ पे लगाया जाए CH3 को? एक तो दो CH3 तो एक तो CH3 इधर आएगा, इधर कोई भी CH3 इधर आएगा क्या? इधर एक इथाइल ग्रुप है, इधर मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पर CH3 आएगा तो बेचारा कितना रिपल्सन फील करेगा। तो इसीलिए क्या करो, जो H इसके पास है ना, उस H को यहाँ पे डाल दो और यहाँ पे CH3 डाल दो। इधर से एक तरफ से तो इसको थोड़ा राहत मिलेगा, रिलीफ मिलेगा, रिपल्सन दोनों तरफ से कम, इधर से थोड़ा बहुत रिपल्सन होगा, इधर से होगा, लेकिन यदि ये दोनों में से कोई भी CH3 यहाँ आ जाए ना, बहुत रिपल्सन हो जाएगा, इधर भी मिथाइल ग्रुप, इधर इथाइल ग्रुप है। तो इसीलिए जो मोस्ट स्टेबल कन्फर्म मोड्स होगा वो ये वन होगा, समझे? गुड। तो ऐसे गॉच इफेक्ट में आप लोग बस डेफिनेशन जान लो यार, जेई मेन में तो पूछा जा सकता है, बट नीट में इतना नहीं पूछा जाएगा, तो इसलिए नीट वाले एस्पिरेंट्स जस्ट मतलब इसको टॉपिक को इग्नोर भी कर सकते हैं। हाँ, बट गॉच इफेक्ट क्या होता है बस जान लो, ठीक है ना, उतना डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से अपना जो गॉच इफेक्ट वाला पार्ट था वो खत्म हो जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में चलेंगे कन्फर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सन, जो कि नीट के लिए इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो इसलिए आप लोग जो जेई वाले एस्पिरेंट्स हैं वो इस वीडियो को देखेंगे, ठीक है? तो पहले जो भी अब तक मैंने पढ़ा है आप लोग उसको रिवाइज कर लो, क्योंकि अब नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग आगे देखते हैं कन्फर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सन और उसके आगे की बातें, ठीक? तो अभी के लिए यार वीडियो को यहीं पर समाप्त किया जाता है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक्स, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।